हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स चाहेगा, दिस इज अनुज खेई। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। जी हाँ, 19 सितंबर से सेकंड लेग की शुरुआत होगी। लगातार नए डेवलपमेंट्स हमको तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजी से देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो मुश्किलें हैं, देखिए, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, रिसेंटली जॉश बटलर जो हैं वो ज़रूर बाहर हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑप्ट आउट ज़रूर वो करते हैं सेकंड लेग के लिए। उनकी जगह ग्लेन फिलिप्स को टीम में लिया जाता है। तब रेशम सिंह की एक बार फिर से आईपीएल में वापसी होती है। लेकिन लियाम लिविंगस्टन, जो कि बीते कुछ महीनों में ज़बरदस्त फॉर्म में है, जी हाँ, वो जो है बिल्कुल अब इंजर्ड हो चुके हैं। शोल्डर इंजरी की जो है बिल्कुल बात सामने आ रही है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वॉरविकशायर के खिलाफ जो है मैच हो रहा था, लैंकशायर से वो खेलते हैं, डिवीजन वन काउंटी चैंपियनशिप का मैच था। वहाँ पे जो है बाउंड्री सेव करते वक्त डाइव जो है वो ज़रूर लिविंगस्टन लगाते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कंधा जो है वो अपना इंजर्ड कर बैठते हैं। अब क्या वो इंजरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि क्या वो सेकेंड लेग जो है वो मिस करेंगे, ये वक्त बताएगा। खतरे की घंटी मैं ज़रूर कहूँगा राजस्थान की टीम के लिए है, क्योंकि जॉश बटलर का बाहर हो जाना, जोफ्रा आर्चर पहले ही अवेलेबल नहीं है, बेन स्टोक्स पहले ही ब्रेक पर चल रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो भी आपको फेस टू में नहीं खेलते हुए दिखेंगे। तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक सेटबैक होगा अगर लिविंगस्टन जो है बिल्कुल आपको खेलते हुए नहीं दिखते हैं सेकेंड लेग में। इससे बड़ा झटका जो है वो नहीं हो सकता राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि जिस फॉर्म में लिविंगस्टन चल रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज लिविंगस्टन के साथ था, राजस्थान रॉयल्स के लिए था। क्योंकि जॉश बटलर अगर ओपनिंग नहीं करते हैं तो फिर आपके पास लिविंगस्टन के तौर पर एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे, और जो फॉर्म उन्होंने 100 में दिखाई है, मोस्ट वेलेबल प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं पूरी लीग में। उसके बाद एकदम से ये खबर आना काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता की खबर, मैं कहूँगा राजस्थान रॉयल्स के सभी फैंस के लिए है, राजस्थान रॉयल्स के लिए है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है लिविंगस्टन फिट हो, यूएई के लिए बिल्कुल वो उड़ान भरें और ज़बरदस्त उनसे हम परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, क्योंकि ये झटका जो है केवल राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं है, ये इंग्लैंड के लिए भी है, लैंकशायर की टीम के लिए भी है। क्योंकि इंग्लैंड को भी तकरीबन अभी कह लीजिए कि 1 से 1.5 महीने बाद जब वर्ल्ड कप हमको देखने को मिलेगा, तो उसमें लिविंगस्टन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। जॉश बटलर फॉर्म में नहीं है, बेन स्टोक्स क्या खेलेंगे इस पर सवाल है, जोफ्रा आर्चर बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में लिविंगस्टन एक मैच विनर के तौर पर उभर रहे थे, और अब क्या वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या इंग्लैंड की टीम वो स्ट्रॉन्ग, वो जो उनमें एक काबिलियत वाला जो फैक्टर हमेशा से देखने को मिलता है, नेवर से डाई एटीट्यूड की बात हम करते हैं, वो चीज़ लिविंगस्टन के ना होने से मिडल ऑर्डर में या फिर ओपनिंग के सेक्शन में ज़रूर हमको इंग्लैंड की टीम में भी देखने को मिलेगी। तो बड़े सवाल हैं जिस पे आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा, आज या कल में ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट सामने आएगा। जैसे ही उनकी इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट आता है ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।